चाचा पवार करेंगे वापसी या भतीजे पवार का होगा राज, एनसीपी के संकट में किसे मिलेगा कानून का साथ। महाराष्ट्र के सियासत में एक बार फिर कुछ कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है जैसा 2022 में शिवसेना संकट के दौरान देखने को मिला था। तब एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी सरकार से बगावत की, मगर पार्टी छोड़ अलग दल बनाने के बजाय दावा किया कि वही असली शिवसेना है। अब एक साल बाद वही दृश्य दोहरा रहे हैं मराठा राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। अजीत दादा के नाम से मशहूर छोटे पवार ने न सिर्फ एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, बल्कि 8 और विधायकों को मंत्री बनवा दिया। शिंदे की तरह ही अजीत दादा भी कह रहे हैं कि वही असली एनसीपी हैं। ऐसे में लाख टके का सवाल यह है कि एनसीपी संकट पर नियम कानून आखिर क्या कहते हैं। आमने सामने की जंग, अपनी अपनी ताकत दिखाते हुए एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मंत्री पद की शपथ लेने वाले 9 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया। शरद पवार की कार्रवाई के बाद अजीत पवार खेमे की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई। प्रफुल्ल पटेल ने जयंत पाटिल को एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष पद से हटा दिया। उनकी जगह सुनील तटकरे को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या कहता है कानून? मगर कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी विधायकों का फैसला कोई बहुत बड़ा कानूनी पेच नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी विधायकों का कदम राजनीतिक रूप से समझदारी भरा तो है ही, साथ ही इसमें कोई कानूनी पहेली भी नहीं है। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने के बाद कहा कि ये एनसीपी है जो सरकार का समर्थन कर रही है, इसलिए विभाजन का कोई सवाल ही नहीं है और इस पर कोई कानूनी प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। कई जानकारों का यह भी मानना है कि राज्यपाल को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन कर रही है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अब तक ये साफ हो चुका है कि एनसीपी विधायकों ने एक बैठक की और सरकार का समर्थन करने का फैसला किया। इसलिए ये माना जा रहा है कि प्रस्ताव के बारे में तुरंत राज्यपाल को सूचित किया गया, जो तब संतुष्ट हुए। दल बदल विरोधी कानून, भविष्य में विभाजन के कारण अयोग्यता का सवाल उठने तक पार्टी द्वारा अजीत पवार को समर्थन देने का सवाल विवादास्पद है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना मामले में अपने हालिया फैसले में कहा है कि अगर ऐसा कोई मुद्दा उठता है तो सदन के अध्यक्ष को फैसला लेने का अधिकार है। वास्तव में बीजेपी में शामिल होने के लिए अजीत को पहले विधायक के रूप में इस्तीफा देना होगा, लेकिन अजीत पवार और उनके विधायकों को अपना समर्थन देने और सरकार में शामिल होने के लिए कम से कम 54 में से 36 विधायक होने चाहिए जो इस तरह के कदम का समर्थन करते हों। उनके समर्थन में 40 विधायकों का आंकड़ा बताया जा रहा है। इस तरह के राजनीतिक झगड़े और पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया है, जिसके लिए पार्टी को विधानसभा स्पीकर के पास ऐसा करने वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की याचिका दायर करनी होती है। स्पीकर इस पर फैसला लेते हैं और दल बदलने वाले नेताओं पर कार्रवाई करते हैं। कानून के तहत उन सदस्यों की सदस्यता भी जा सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।